सोमवार को शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई और शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 518 अंक की गिरावट के साथ 61,144 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 153 अंक टूटकर 18,154 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 22 स्टॉक में गिरावट रही। आज बाजार में चौतरफा बिकावली देखने को मिली है और सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और रियल्टी के शेयरों में रही। वहीं बैंक, फाइनेंशियली, मेटल, ऑटो और फार्मा सहित सभी प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि पीएसयू बैंक इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुआ। आज के टॉप लूजर्स में आरआईएल, टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस, विप्रो, टाटा स्टील शामिल हैं, जबकि टॉप गेनर्स में एयरटेल, एक्सिस बैंक और इंडस बैंक, एचयूएल टाइटन हैं।